वेलकम टू आकाश इन्फोटेक वीडियो ट्यूटोरियल्स, मैं सेल्फ आकाश परिया। ये वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा बेस में से डेटा कैसे फैच करना है एंड कैसे उसको PHP के पेज में डिस्प्ले करना है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कोडिंग से। जैसे मैं यहाँ पे एक नया PHP पेज बना रहा हूँ, फैच डेटा, एंड मेरा एक डेटा बेस भी है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। मैं PHP माई एडमिन ओपन करता हूँ। तो ये PHP माई एडमिन है जिसके अंदर मेरा डेटाबेस का नाम है आकाश प्रोजेक्ट। उसके अंदर मैंने टेबल क्रिएट किया हुआ है स्टूडेंट्स, जिसमें ऑलरेडी 4 रिकॉर्ड्स है। तो ये जो रिकॉर्ड्स है उसको मुझे यहाँ पे PHP में कोडिंग करके डिस्प्ले करवाना है। तो फर्स्ट आई नीड कनेक्शन। मैंने ऑलरेडी connection.php फाइल बनाई हुई है जिसमें जो रिक्वायरमेंट है कनेक्शन के लिए mysql_connect mysql_selectdb ये ऑलरेडी फाइल है। तो यहाँ पे मैं सिंपली उसको इंक्लूड और रिक्वायर से कॉल करूँगा, रिक्वायर देन connection.php। नाउ फर्स्ट हाउ टू राइट क्वेरी फॉर mysql_query। आई वॉन्ट टू फैच डेटा फ्रॉम डेटाबेस, तो उसके लिए क्वेरी लिखना पड़ेगा, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल नेम। माई टेबल नेम इज स्टूडेंट एंड देन और डाई mysql_error। अगर कोई एरर है तो ये क्वेरी में यहीं से अपने को स्टॉप कर देगा। जैसे आप इसको रन करोगे तो कोई भी सिंगल डेटा आपको डेटाबेस में से फैच करके यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आपको जब भी डेटा डेटाबेस में से फैच करना है तो फर्स्ट यहाँ पे अपने को एक और फंक्शन है, एक वेरिएबल लेता हूँ मैं $data देन mysql_fetchRow। आप फैच रो, फैच एरे से भी डेटा फैच कर सकते हो, लेकिन मैं ये स्टार्ट करूँगा फैच रो। फैच रो फंक्शन क्या करेगा, जो फर्स्ट रो है मतलब ये डेटाबेस के टेबल में जो फर्स्ट रो है वो फैच करके $data में स्टोर कर देगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो क्वेरी है वो पास करनी पड़ेगी, हियर डेटा विल स्टोर इन $data वेरिएबल एज अ न्यूमेरिकल एरे। मतलब आप जो भी डेटा फैच करोगे वो $data नाम के जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगा एज अ न्यूमेरिकल एरे। अगर आप उसको टेस्ट करना है टू डिबग दिस एरे, दैट इज वन फंक्शन print_r। print_r फंक्शन क्या करेगा, जो भी एरे है उसको आप डिबग कर सकते हो। तो राइट क्लिक एंड रन फाइल। तो एज यू कैन सी दैट फर्स्ट जो है 1, जिसमें वैल्यूज जो है आकाश पटिया मेयर एंड मोबाइल नंबर, तो इसका जो इंडेक्स है 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे अपनी जो टेबल है जिसमें इंडेक्स जो है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, ये न्यूमेरिकल एरे में अपने को डेटा डिस्प्ले करा। न्यूमेरिकल एरे में जो भी अपना इंडेक्स है मतलब वो 0 से स्टार्ट होता है, दिस इज 0, 1, 2 एंड 3। तो अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैंने print_r लिया फॉर डिबगिंग पर्पस। अगर इसको आपको अच्छी तरह से फॉर्मेट करना है मतलब प्रिंट करना है तो यू कैन यूज echo $data of 0, $data of 1 देन $data of 2 एंड $data of 3 एंड नाउ रन दिस फाइल। तो जो भी वैल्यू है प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो गया, जैसे 1 देन माय नेम जेंडर एंड मोबाइल नंबर। इसको mysql_fetchRow जो फंक्शन है उसकी जगह पे हम mysql_fetchArray भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे method 2 एंड दिस इज माय method 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे $data = mysql_fetchArray। फैच एरे जो फंक्शन है वो फैच डेटा एज न्यूमेरिकल एंड एसोसिएटिव एरे। तो इसको अगर हमको डिबग करना है तो अगेन print_r सेम फंक्शन एंड राइट क्लिक एंड रन फाइल। इसको थोड़ा अच्छा से फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ पे मैं प्री टैग लिखूँगा, तो सिस्टम में जैसा स्टोर होता है वैसे ही मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। दिस इज HTML टैग एंड वी हैव टू क्लोज दिस टैग, बट इसको जस्ट प्रिंट कर टेस्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन में देख सकते हो अगर 0 इंडेक्स से आप कॉल करेंगे तो इट विल डिस्प्ले 2,
अगर आप नेम से कॉल करोगे तो भी इट विल डिस्प्ले टू. वन से कॉल करोगे तो इट विल डिस्प्ले नेम आकाश इन्फोडेक, एस टी नेम आकाश इन्फोडेक, टू मेल जेंडर मेल. मतलब ये जो फील्ड है इसको हम न्यूमेरिक वैल्यू से अगर कॉल करते हो तो 0, 1, 2, 3. एंड अगर आपको नेम से कॉल करना है जैसे कि यहाँ पे एस टी आई डी, एस टी नेम, एस टी जेंडर एंड एस टी मोबाइल, तो माई एस क्यू एल फैच एरे फंक्शन जो है जिसमें आप दोनों तरीके से कॉल कर सकते हो बाय न्यूमेरिकल वैल्यू इंडेक्स एंड फिल नेम. एंड माई एस क्यू एल फैच रो है सिर्फ आपको इंडेक्स से कॉल करना है. तो इसको अगेन हम कमेंट में डाल देते हैं. एंड इको डॉलर डेटा ऑफ 0, डॉलर डेटा ऑफ 1, डॉलर डेटा ऑफ 2, डॉलर डेटा ऑफ 3. एंड सेम इसको कॉपी पेस्ट करो एंड इंस्टेड ऑफ इंडेक्स राइट एस टी अंडरस्कोर आई डी, एस टी अंडरस्कोर नेम एंड एस टी अंडरस्कोर जेंडर, एस टी अंडरस्कोर मोबाइल. नाउ राइट क्लिक एंड रन फाइल. न्यू लाइन में लाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे बी आर यूज करेंगे. बी आर अगेन यहाँ पे भी बी आर. तो ये जो दो नंबर का मतलब सेकंड नंबर जो रिकॉर्ड है आकाश इन्फोड है वो दो बार आ रहा है. क्यों? क्योंकि एक ही मतलब एक ही फंक्शन को हमने दो बार प्रिंट किया है विथ डिफरेंट मैथड. पहले मैंने कॉल किया है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स और सेकेंड टाइम मैंने कॉल किया है विद द हेल्प ऑफ फील्ड नेम. तो ये डिफरेंस है माई एस क्यू एल फैच रो एंड माई एस क्यू एल फैच एरे. जैसे भी आपको डेटा अगर फैच करना है तो आप दोनों मैथड यूज़ कर सकते हो. लेकिन बेनिफिट एरे में क्यों है? क्योंकि समझो कि आपके पास नंबर ऑफ फील्ड्स है 15, उसमें आपको पाँच ही फील्ड कोई चाहिए रैंडमली जैसे कि नेम जेंडर. तो अगर इसको हम कॉल करेंगे तो 0, 1 एंड 2. इन केस नेम के बाद मुझे ऐसा है कि जेंडर की जगह पे नेम की जगह पे मुझे नेक्स्ट रखना है लास्ट नेम. तो जो जेंडर का इंडेक्स है जो पहले था 0, 1, 2, तो आफ्टर इंसर्टिंग एस टी लास्ट नेम तो वो चेंज हो जाएगा. और आपने जो भी यहाँ पे इंडेक्स लिखा है वो इंडेक्स भी आपको चेंज करना पड़ेगा. अगर आप कोई चीज़ मतलब कोई न्यूमेरिक वैल्यू है जिसमें आप कोई भी बीच में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो या फिर फील्ड इंसर्ट करते हो तो उसकी पोजिशन डेफिनेटली चेंज हो जाएगी. एंड इंस्टेड ऑफ पोजिशन आप नेम से कॉल करोगे तो स्पेसिफिक वैल्यूज़ आपको रिटर्न करेगी. तो अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए तो ये जो प्रोग्राम है उसको आप लूप में डाल दो तो इट विल डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल. तो ये डिफरेंस था माई एस क्यू एल फैच रो एंड माई एस क्यू एल फैच एरे जो डेटाबेस में से डेटा फैच करने के लिए यूज होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर वीडियो ट्यूटोरियल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन फॉलोइंग डिटेल्स. मार्सल फाकस. थैंक यू.